शिव जी बच्चों जैसे ही हैं और इसीलिए उनका एक रूप है जिसका नाम ही बाल शिव है। उनका रूप है वो जिसमें शिव जी का अवतार दिखता है बाल अवस्था में। ज्ञान की एक सीमा है, कहीं ना कहीं आके ज्ञान रुक जाता है। गूगल को भी अज्ञानी बोला जा सकता है क्योंकि गूगल के पास भी सारा ज्ञान नहीं है, अभी गूगल भी सीख रहा है। क्या है महाकाल? जिसका कोई प्रारंभ नहीं ना जिसका कोई समाप्त है, बस एक शिव शब्द ही सब पर पर्याप्त। उज्जैन को पहले अवंतिकापुर भी कहा जाता था और उसके पास एक पहाड़ में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दुसाना। ये चाहता था कि कोई भी शिव जी की पूजा ना करे। चिरंजीवी और दीर्घायु दो अलग अलग शब्द हैं। चिरंजीवी का मतलब होता है इमॉर्टल, जो कभी ना मरे, मगर दीर्घायु का मतलब इमॉर्टल नहीं होता है। दीर्घायु का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता है। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। शिव जी के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें एक नाम है महाकाल और एक नाम है भोलेनाथ। भोले बाबा भी बोलते हैं। भोलेनाथ क्यों बोलते हैं और महाकाल जो नाम है, इन दोनों का फर्क क्या है, वो बताता हूँ आपको इस वीडियो में। भोलेनाथ नाम इसलिए है क्योंकि बच्चा भोला होता है। शिव जी को बच्चा कह रहा है। इतनी हिम्मत इसकी, बुद्धि से नहीं हृदय से। बच्चा कैसे होते हैं? बच्चे छोटी सी बात पे प्रसन्न हो जाते हैं, छोटी सी बात पे क्रोधित हो जाते हैं। शिव जी बच्चों जैसे ही हैं और इसीलिए उनका एक रूप है जिसका नाम ही बाल शिव। उनका रूप है वो जिसमें शिव जी का अवतार दिखता है बाल अवस्था में। भोले भाले हैं, बड़े आराम से प्रसन्न हो जाते हैं और जिससे प्रसन्न हो जाते हैं उसका मांगा वरदान उसको देने के लिए तैयार, बिना ये जाने कि वरदान मांगने वाले की प्रवृत्ति क्या है, जिसके कारण कई बार बाद में उनको खुद भी परेशान होना पड़ता है। इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ। शिव जी को भोलेनाथ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये माना गया है कि शिव जी ज्ञानता और अज्ञानता दोनों से परे हैं। वो अज्ञानता के भी देव हैं। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ज्ञान जो है ना वो सीमित, चाहे वो किसी इंसान के अंदर हो या ब्रह्मांड के अंदर हो, ज्ञान की एक सीमा है, लेकिन अज्ञानता जो है ना वो असीमित। जब मैं किसी को अज्ञान कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अज्ञान व्यक्ति जो है वो मूर्ख व्यक्ति। मूर्खता और अज्ञानता दो अलग अलग शब्द। जब मैं अज्ञानता की बात कर रहा हूँ, उसका ये मतलब है कि हर वो विद्या, हर वो रहस्य, हर वो भाषा, हर वो जगह, हर वो मानव जो किसी को भी ना पता हो, उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, उस विषय के लिए वो व्यक्ति अज्ञान है, मूर्ख नहीं, अज्ञान है। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी सीख ले, जैसा कि मैंने कहा कि ज्ञान की एक सीमा है, कहीं ना कहीं आके ज्ञान रुक जाता है। गूगल को भी अज्ञानी बोला जा सकता है क्योंकि गूगल के पास भी सारा ज्ञान नहीं है, अभी गूगल भी सीख रहा है। इंसान भी सीखता है और सीखते सीखते हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान आता कहाँ से? अज्ञानता के भंडार में कोई डुबकी लगा ले तो चंद बूंद मिल जाती है ज्ञान की। तो ज्ञान छुपा कहाँ है? अज्ञानता में। जब आप शून्य रहते हैं, जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं, तो आप अपने आप को खाली करके जाते हैं। आप कहते हैं कि मेरा घड़ा खाली, अगर घड़ा भरा रहेगा तो उसमें ज्ञान की बूंद डलेगी कैसे? अगर ज्ञान की बूंद डालनी है तो घड़ा खाली करना पड़ेगा। अगर मस्तिष्क का, बुद्धि का, हृदय का घड़ा, उसमें डालने की जो चीज है, जो कंटेनर है, वो खाली होगा तो फिर आप भी अज्ञानी हैं। और जब अज्ञानता होगा तो ही ज्ञान होगा। तो शिव जी को ज्ञान और अज्ञानता दोनों का देव कहा गया है, इसी वजह से, क्योंकि अज्ञानता असीमित है और ज्ञानता सीमा में है। चाहे सीमित चाहे असीमित, दोनों शिव ही है। तो ये था शिव जी के भोलेनाथ नाम होने का कारण। अब आ जाते हैं महाकाल पे। क्या है महाकाल? जिसका कोई प्रारंभ नहीं ना जिसका कोई समाप्त है, बस एक शिव शब्द ही सब पर पर्याप्त। काल से परे हैं इसलिए महाकाल कहलाते हैं। इसके पीछे एक दो कहानियां भी हैं। पौराणिक पन्नों में एक कहानी है महाकाल पे। तमिलनाडु में कुन्नूर नाम की जगह है, जो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है। कुन्नूर में एक ऋषि थे, ऋषि मृकंदु, और उनकी समकक्ष, उनकी साथी, उनकी जीवन साथी, उनका नाम था मरुदमती। ये ऋषि और उनकी जो जीवन साथी थी, ये लोग निसंतान थे, इनके पास बच्चा नहीं था। तो इन्होंने घोर तपस्या की शिव जी की, और फिर जब शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने बोला हमको एक पुत्र दे दीजिए। शिव जी ने वहाँ एक कंडीशन डाल दी। कंडीशन ये थी कि दो में से एक पुत्र चुन लो, या तो मैं तुमको एक पुत्र दूंगा जो महाज्ञानी होगा, जो महापुरुष होगा, लेकिन उसकी आयु कम होगी, वो 16 साल की आयु में चला जाएगा, या फिर एक महामूर्ख ले लो जिसकी उम्र बहुत लंबी होगी मगर वो समझदार नहीं होगा। क्योंकि ऋषि मुनि थे, उन्होंने चुना 16 साल का ही बच्चा हो, लेकिन आपके प्रति समर्पित हो, आपकी पूजा पाठ करे, आपकी आराधना करे और महाज्ञानी हो। इन दोनों का जो बच्चा हुआ शिव जी के आशीर्वाद से, उन्हीं का नाम है मार्कंडेय ऋषि, जिनको बाद में दीर्घायु का वरदान मिला। पर क्यों मिला उनको दीर्घायु का वरदान? जिस वजह से मिला, वहाँ छुपी है महाकाल शब्द के पीछे की कहानी।
और क्या है वो, जैसे जैसे मार्कंडेय ऋषि बड़े होने लग गए, उनको पता चला कि 16 साल की आयु में उनको जाना है। वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने शिवलिंग को पकड़ के, अपने आप को शिवलिंग से लपेट के उन्होंने शिव जी की तपस्या शुरू की। समय बीतता चला गया और उनकी आयु हो गई 16 साल। और तब आए यमराज मार्कंडेय ऋषि को लेने। यमराज से यहाँ एक गलती हो गई, जब उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को अपने साथ ले जाने के लिए मृत्युपाश फेंका तो उनके साथ साथ वो मृत्युपाश लिपट गया शिवलिंग पे भी, और जिसके कारण वही भोलेनाथ जो बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते, इस बार हो गए थे क्रोधित। क्रोधित हुए तो क्या हुआ, क्रोधित हुए तो खुद आए और यमराज को हराया, और तब जाके ऋषि मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान मिला। चिरंजीवी और दीर्घायु दो अलग अलग शब्द हैं। चिरंजीवी का मतलब होता है इमॉर्टल, जो कभी ना मरे, मगर दीर्घायु का मतलब इमॉर्टल नहीं होता है, दीर्घायु का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ। तो उनको 16 साल की उम्र में जो काल उनको लेने आया था, उस काल को पराजित करके शिव जी ने अपने इस पुत्र को, अपने इस वरदान को बहुत लंबी आयु का एक और वरदान दिया, और तब वो कहलाए ऋषि मार्कंडेय। एक कहानी है, मगर एक और कहानी है जो जाती है उज्जैन में। उज्जैन को पहले अवंतिकापुर भी कहा जाता था, और उसके पास एक पहाड़ में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दुसाना। ये दुसाना ये चाहता था कि कोई भी शिव जी की पूजा ना करे। उसकी वजह से उज्जैन नगरी, जो उस समय अवंतिकापुर कहलाती थी, वहां पे लोग इस राक्षस के डर से शिव जी की पूजा करना बंद कर दिए। इस दुसाना राक्षस का एक और नाम था, और वो नाम था काल। मगर उज्जैन नगरी में एक ऐसा ब्राह्मण परिवार था जो डर को पीछे करके शिव जी की आराधना छोड़े नहीं वो लोग, और ये बात पता चली इस राक्षस को। राक्षस पहाड़ से उतरा और उज्जैन नगरी आया इस परिवार को मारने। ये इतने बड़े भक्त थे शिव जी के कि इनकी रक्षा में शिव जी खुद आए और काल को पराजित ही नहीं किया, काल का वध भी किया। इसीलिए महाकाल की नगरी कहा जाता है शिव जी, और वहां से भी ये नाम जुड़ता है महाकाल। तो अगली बार जब उज्जैन जाए तो इस कहानी को याद रखिएगा। तो ये था फर्क, ये थे कुछ रोचक पहलू भोलेनाथ और महाकाल के नामों के पीछे।